ये तस्वीरें आप देख रहे हैं छोटा शिमला की, और देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री आज 9 बजे ही सचिवालय की तरफ जा रहे हैं और पैदल ही सचिवालय जा रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं अब तस्वीरें छोटा शिमला के ओकओवर से सचिवालय की तरफ मुख्यमंत्री निकले हैं। हालांकि अभी 9 बज रहे हैं और पैदल आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ निकल रहे हैं, ना कोई काफिला ना कोई एस्कॉर्ट। देख सकते हैं आप देख सकते हैं आप लोगों का अभिवादन भी सुन रहे हैं। सर आज पैदल ही सचिवालय, आज एक मीटिंग है आपका से रिलेटेड। अच्छा देर नहीं आया, मैंने बोला चलो। अच्छा मैं तक आया था। तो ये देखा आपने मुख्यमंत्री को सुना, कहा इन्होंने कि आज पैदल ही सचिवालय पहुंचे, एक मीटिंग थी डिजास्टर को लेकर, और ओकओवर से यहाँ तक ये। हाँ जी, हाँ जी, मैं हूँ। मैं आई डी है, कोई दिक्कत नहीं। ऑडियो के लिए ठीक रहता है। हेलो, हाँ जी, हाँ, क्या हुआ वो रोड्स का? देखिए अपडेट ले रहे हैं रोड्स की, क्योंकि आपदा के कारण रोड बंद हैं, तो इसलिए अपडेट ले रहे हैं। चौथी थी, चौथी में भाई दो फाइलें कब तक साइन हो जाएगी वो? अगर बरसात के मौसम में है? थोड़ा खतरा दे, काफी लोग देख रहे हैं। ओके नहीं, पर ये करो इमीडिएटली यार, अभी जरूरत है हमको। हाँ, नहीं मैं बोलता हूँ इनसे को, अभी मैं बोलता हूँ। अभी आ गया मैं पहुंच गया 15 मिनट में। तोरो जी सब कुछ बांट दिया किन्नौर में, आज खत्म करना है सारा राहत वाला रिलीफ मैनुअल जो चेंज कर दिया खत्म करके। नहीं, इमीडिएटली बांट भी दो रिसीप्ट को। तो देख सकते हैं आप अपडेट ले रहे हैं
रात मैनुअल जो हो रही है हिमाचल प्रदेश में वहाँ आवंटित किया जा रहा है, तमाम अपडेट ले रहे हैं। नहीं वो तो 1 लाख तो कर ही दिया ना उसको, इमीजिएटली कर। चलो वो शामटी वाला क्या है, सोलन में जो शामटी वाला है कंप्लीट कर दिए, पैसे बांट दिए रिलीफ वाले हैं? नहीं आज खत्म करो ये रिलीफ का काम, फिर फोन बस राम जी चाहे आपको चौहान साहब लाएंगे, पर जाओ आप, आप लोग जाओ। ठीक है सर, थैंक यू। देख सकते हैं तमाम जगह की अपडेट मुख्यमंत्री ने ली। तो जिस तरह से आपने सुना तमाम जिलों की अपडेट मुख्यमंत्री 9 बजे पहुंचकर ही कार्यालय से ले रहे हैं, और आज पैदल ही सचिवालय पहुंचे 15 मिनट में वॉक ओवर से, क्योंकि चालक नहीं थे तो इसलिए मुख्यमंत्री आज पैदल ही आए। तो फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं, ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे, आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।